प्रोजेक्ट है मल्टीमीडिया सिस्टम सिक्योरिटी। ये रन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर करना है। जैसे आप ये करते हो इसका आर्किटेक्चर देख लो, यहाँ पे वेब कंटेंट में सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएसपी रन होगा। अभी ये प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पे आपने क्लाउड यूज़ किया ड्रॉप बॉक्स को। जैसे ड्रॉप बॉक्स एक सिस्टम है जहाँ पे हम फाइल सेव कर सकते हैं, जैसे ही डेटा अपलोड होते जाता है वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो भी ड्रॉप बॉक्स सेव कर रहे हैं उन्हें अपना फाइल एक्सेस करने मिल रहा है। अगर समझ लीजिए वो फाइल में अपने कुछ बैंक का पासवर्ड रखा है या कुछ रखा है ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन, और वो अपलोड हो रही है, जैसे गूगल फोटोज़ भी है, तो वो डेटा डाउनलोड करके कोई भी विजुअलाइज कर सकता है। कोई भी मतलब जैसे ही यूज़र का जो इंफॉर्मेशन होगा वो अपलोड होगा, तो वो डाउनलोड करके जिसके पास ड्रॉप बॉक्स का एक्सेस है, जो भी थर्ड पार्टी है या कोई भी जो एक्सेस कर पाएंगे, वो लोग डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसे ओवरकम कैसे किया जाए, या ये जो क्लाउड वाला चीज़ है इसे सिक्योर कैसे किया जाए, ये हम इस प्रोजेक्ट में देख रहे हैं। तो अभी इसको ओवरकम करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम इसे एनक्रिप्ट करेंगे। हमने इसे एनक्रिप्ट किया AES से। अगर एक फाइल अपलोड करो, एक डेटा अपलोड कर रहे हो, उसे अगर एनक्रिप्ट कर दो और उसका की सेव करके रखते हो और वो की एक्सेस के टाइम यूज़ करते हो, तो आपका डेटा जो है ये मल्टीमीडिया सिस्टम सिक्योरिटी अचीव हो जाता है यहाँ पे। तो सेम तरीका हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे पहले इंडेक्स डॉट जे एस पी रन होगा। जैसे ही रन करोगे तो इंडेक्स डॉट जे एस पी रन होते ही आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिखाई देगा। देखो सर्वर स्टार्टेड है। जैसे आप साइन इन कर रहे हो, यहाँ पे साइन इन करते ही एस जो यूज़र नेम है, यहाँ पे कोई भी आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यूज़र नेम डाल सकते हो। यहाँ पे व्यू फाइल्स में आपके सब फाइल्स दिखाई देंगे। अगर आपको कोई फाइल अपलोड करना है, अभी मैं ये वाला फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ये वन डाउनलोड डुप्लीकेशन डिटेक्टेड करके मैसेज दिखाएगा, क्योंकि हैश सेम आ रहा है। अभी मैं कोई अलग इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही डेटा अपलोड होगा, अभी ये राइट नाइट डॉट जेपीजी, तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे वो फाइल आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसे क्लिक करके डाउनलोड शेयर कर सकते हो। तो ये फाइल को अगर मैं अभी डाउनलोड करने जाऊँगा तो ये पहले की पूछेगा। अभी की कैसे इनक्रिप्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको इनपुट में जाके आपको मैं दिखा दूँगा कैसे फ़ाइल का ट्रांजेक्शन होता है, कोडिंग क्या होता है। जैसे ही मैं गेट की करूँगा, मेरे ईमेल आईडी पे गेट की करने के बाद एक आईडी देखिए यहाँ पे डिक्रिप्शन की सेंड ऑन योर ईमेल, जो मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पे मुझे डिक्रिप्शन की दिखाई देगा। तो मैं अभी जो भी आपका होगा, अभी मैंने साइन इन किससे किया है मुझे भी पता नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं। इसे दो तीन अकाउंट है, तो अगर ये सही होगा तो ये डाउनलोड कर देगा। सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि